नवी मुंबई शहर गावठाण आणि झोपडपट्टी क्षेत्रात पावसाळ्यापूर्वी जे कार्य करण्यात आले त्या कार्यांचा आढावा घेण्यासाठी ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक स्वतः रस्त्यावर उतरले होते. मागील 4 वर्षांपासून आमदार संदीप नाईक स्वतः पावसाळ्यापूर्वी करण्यात आलेल्या कार्यांचा आढावा घेत आहेत. आमदार संदीप नाईक यांनी आपल्या या सर्वेक्षण दौऱ्याची सुरुवात दिघा येथील मुकुंद कंपनीपासून केली. यानंतर त्यांनी ऐरोली घनसोली कोपरखेरणे आणि वाशीच्या काही क्षेत्रातील पावसाळ्यापूर्वीच्या कार्यांची पडताळणी देखील केली. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्यांसमवेत त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रातील नाल्यांची देखील पाहणी केली. आमदार संदीप नाईक हे दिघा आणि आसपासच्या क्षेत्रात करण्यात आलेल्या कार्याने समाधानी दिसले, परंतु ऐरोली क्षेत्रात करण्यात आलेल्या कार्यांप्रती ते नाराज दिसले. कधी करणार? तुम्ही हे बघा, इकडे ऑलरेडी डेब्री पडलेलं आहे कम्प्लीट. इथून हवेपर्यंत बाकी प्रलंबित असलेल्या कामांना अनुसरून देखील त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. पत्रकारांशी बोलताना आमदार संदीप नाईक यांनी सांगितलं की त्यांनी सूचना दिल्याप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिकेने कलवट बनवणे, गटार बनवणे अशी कार्य हाती घेतली आहेत. दिघा, ऐरोली, घनसोली, कोपरखेरणे, पावना, रबाले और यहाँ पे वाशी में सेक्टर 29 इस इलाके का दौरा हुआ है. काफ़ी बड़े पैमाने पे काम हुए हैं. 5 साल में जो दौरे हुए उसमें जिस जिस जगह पे कलवट बनाने की लिए सूचना की गई थी, कहाँ पे छोटे स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बनाने की सूचना की थी, वहाँ पे कहीं हद तक काम हुए. दौरे में दिघा विभाग में जो हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन उससे अच्छा काम हुआ है. काफ़ी जगह पे ड्रेनेज जो कच्चे थे वहाँ पे परमानेंट ड्रेन बनाए गए हैं, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बनाए गए, कलवट बनाए गए और वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है. पुढे आमदार संदीप नाईक यांनी अशी ही माहिती दिली की त्यांच्या मतदार संघात पावसाळ्यापूर्वीचं कार्य पूर्ण झालंय, परंतु ऐरोलीमध्ये परिस्थिती मात्र वेगळी आहे आणि या गोष्टीला अनुसरून ते महापौर आणि विभाग अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. ओव्हरऑल जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली की करीबन 70-80% काम अच्छा हुआ है, लेकिन जो उम्मीद थी कि ऐरोली सिटी में जो काम हम लोग हर साल देखते हैं वो इस साल वहाँ पे वो इफ़िशेंसी दिखी नहीं है. आयुक्तों महोदय ने भी दौरा किया, तभी उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके भी एक्सपेक्टेशन की तरह ऐरोली सिटी में काम नहीं हुआ है अभी, और वो आने वाले ये 10-12 दिन में वो सब काम एक्सपेडाइट कर से जल्द कंप्लीट करने के लिए सूचना मैं दूंगा. आयुक्तों महोदय, महापौर महोदय और वार्ड ऑफिसर के लेवल पर मैं बात करूँगा. त्याचप्रमाणे आमदार संदीप नाईक यांनी या गोष्टीवर देखील समाधान व्यक्त केलं की मागील 5 वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी अधिकाऱ्यांनी चांगलं काम केलं आहे. मार्च एप्रिल में दौरे करते हैं तो काफ़ी स्कोप होता है कि आने वाले 3 महीनों में टेंडर प्रोसीजर करे, जाके वहाँ की एरिया का दौरा आयुक्त महोदय, सिटी इंजीनियर, उनके माध्यम से होके काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है. लेकिन 5 साल की तुलना में जो हम लोगों ने जो सूचना आज तक की है उसका इफ़ेक्ट काफ़ी जगह पे देखने को मिला, क्योंकि ये 2 महीने नहीं है, 3 महीने नहीं, 1 साल नहीं है, 5 साल कंटिन्यूस हम लोग इस तरीके के दौरे कर रहे हैं और पॉजिटिव उसका आउटकम काफ़ी जगह पे देखने को मिला. क्योंकि हमेशा हम लोग ज़्यादा कंसर्न और फोकस होते थे स्लम एरिया, दिघा, रामनगर हो, चिंचपाड़ा हो, उसके बाद में दिघा परिसर हो, विष्णु नगर हो, लेकिन वैसे काफ़ी इलाके में अभी काफ़ी रिलीफ हमें देखने को मिला.
ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV बातमीपत्र।